अस्सलाम वालेकुम विद अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मेरी गाड़ी की पूरी ट्यूनिंग है और बाकी देखिए आप वीडियो में। आप आगे इंजन ऑयल डालना है और गार्ड फिल्टर वगैरह फुल ट्यून अप है। आपको आगे जब खुलती है और बताता हूँ। इधर थी लीकेज तो थर्मोस्टेट जो होती है क्या कहते हैं जैन वो ख़त्म थी ऑलमोस्ट, तो अब वो लगा रहे हैं फिर देखते हैं क्या क्या नुकसान। सर अपना भी नाम बता दें। जी मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं दसवीं टेक्नीशियन की ऐसे से काम कर रहा हूँ। तो ये भाई मेरे पास आए हैं, चीज़ बताई है इन्होंने, उन्होंने वीडियो बड़ी लंबी चोट दिखाई थी मगर फॉल्ट उसका छोटा सा ही है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि लेकर करने की। चलें थैंक यू। देख लें, मुझे तो मसला काफ़ी बड़ा लग रहा था बट ये प्रॉपर हो गया क्योंकि इधर मीन वाइल देख लें ऑलमोस्ट डन है। ये इन्होंने जो नई भाई हैं इन्होंने लगाई है इधर सिलिकॉन, तो वो जैन जो कहते हैं सील वो प्रॉपर करके इसको क्लम से टाइट करते हैं। तो अब ये जब फुल ड्यूनो की गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे लीकेज आके नहीं, उम्मीद है लीकेज नहीं होगी। तो बाकी अगर किसी को एक ऐसा भी कोई मसला हो लीकेज का तो इन चीज़ों को ना मस्त देखते हैं, बिकॉज़ ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि फिर बंदा को ना फॉल्ट पता लग जाए तो ज़्यादा पैसे लगने से बच जाती है गाड़ी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे जब बंदा गौर करने लग जाता है ना तो फिर बड़े नुकसान से बच जाता है। अब जैसे लीकेज थी, अब विंटर ना होता समर होता तो पानी ज़्यादा होना था, गाड़ी ने हीटअप हो जाना था, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चलो फाइनली ये भाई को टाइम मिल गया, बड़ा लेट किया इन्होंने मुझे। अब ऑयल वगैरह चेंज होने लगा। मीनवाइल ये देख लें ऑयल निकल रहा है। तो बाकी मैं गार्ड के लाया हूँ फिल्टर। बाकी ये जैसा कि देख रहे हैं आप गार्ड का फिल्टर, बेसिकली अगर मैं सुजुकी से भी लेता है ये मिल जाता तो सुजुकी के 50 रुपया 100 रुपीज़ महंगे देते हैं। तो बाहर से अगर गार्ड के लिए, क्योंकि गार्ड ही बनाते हैं इनके भी, तो अगर गार्ड के बाहर से ले आए वो थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। ये अब बाइक को हो रहे हैं टैपर्ड वाला कवर, ऑयल तो हमने डाल दिया तो ये टैपर्ड का कवर खोल के टैपर्ड की सेटिंग होगी, उसके बाद प्लग, उसके बाद कार्बोरेटर की सफाई, रेड सेट फिनिश। तो मैं तो गाड़ी में 1040 डाल रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 13-14 की एवरेज दे रही है। तो मेरा मशवरा ये है मैकेनिकों की बातों पे कोई ना जाए, तो 10 जो मैनुअल है ना यूज़र मैनुअल उसको पढ़ के ऑयल डलवाएं। टैपर्ड कैब ऑयल ये डाला उससे नेक्स्ट डे। उस दिन मैं बना नहीं सका, बैटरी लो हो गई थी, मोबाइल बंद हो गया। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं इसमें कि ये जो आल्टो है ना इसके अंदर होता है पीसीबी वाल्व होता है। ये जो आप पाइप देख रहे हैं ना ये वाला, ये इधर होता है वो पीसीबी वाल्व। तो जब भी अगर किसी के पास आल्टो है उसने ट्यूनिंग कराई है इसकी तो इसको मस्ट करा ले। बेसिकली तो ये आर गाड़ी में होता है पीसीबी वाल्व, लेकिन इसके अंदर होता है मेटल का। तो मेन थिंग यही होती है इसका जो फॉल्ट होता है, तो फिर मैकेनिक इसको नहीं देखते इंजन कर देते हैं। और जो लीकेज थी ये देखें, ये भी ऑलमोस्ट गुड है, ठीक हो गया। ये सिलिकॉन लगी हुई है, ये लीकेज थी। बाकी थैंक यू, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाकी कमेंट में बता देना अगर